नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। यूपी में योगी आदित्यनाथ ने आज अपनी सरकार के 6 महीने पूरे कर लिए हैं। मीडिया के सामने वो आए भी और कई बड़ी उपलब्धियां भी गिनवा कर गए। कल भी मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आए थे, लेकिन कल सिर्फ पिछली सरकार से जो विरासत मिली थी उसी का ब्यौरा दिया था और ये जताने की कोशिश की थी कि वो ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। विरासत ही चूंकि उनको इतनी कमजोर मिली थी, ऐसे में आज योगी सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाकर चौंकाया जरूर है। विपक्ष सवाल पूछ सकता है कि अगर बुनियाद अच्छी नहीं थी तो फिर आपने इतने अच्छे काम कैसे कर लिए। खैर, आज हम कई सवालों के जवाब अपनी चर्चा के दौरान ही तलाशेंगे। मसलन, योगी सरकार को 6 महीने में कितने नंबर, कर्ज माफी के बाद भी दुखी क्यों है यूपी के किसान, क्या अब यूपी के लोगों की सेहत ठीक है, 6 महीने में काम हो गया है क्या कानून का राज, और बहुमत के हिसाब से क्या वादे पूरे कर पाई योगी सरकार। तो योगी की छमाही, जब यूपी में बीजेपी की सरकार आई तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लिहाजा योगी सरकार ने भी कुछ बड़े फैसले ताबड़तोड़ तरीके से लेना भी शुरू किया। हालांकि स्वास्थ्य के मुद्दे पर सरकार की सबसे ज्यादा किरकिर हुई। कैसा रहा है योगी सरकार के 6 महीने का सफर, पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। 19 मार्च 2017, ये बीजेपी के लिए उमंग का दिन था। ये यूपी में बदलाव का दिन था। ये यूपी के लोगों के लिए उत्साह का दिन था, क्योंकि लोगों ने अपनी बेहतरी के लिए सत्ता बदली थी। क्षेत्रीय पार्टियों की बजाय लोगों ने पीएम मोदी और बीजेपी पर भरोसा जताया था। योगी आए तो लोगों की उम्मीदें अपार थीं। सत्ता संभालते ही ताबड़तोड़ फैसले भी लिए गए। मसलन, बूचड़खानों पर कार्रवाई, एंटी रोमियो स्क्वाड, एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन, जिला मुख्यालयों में 24 घंटे और गांवों में 18 घंटे बिजली, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान और 100 दिन में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने और किसानों की कर्ज माफी जैसे बड़े फैसले जारी किए गए। हालांकि इनमें कुछ ऐसे फैसले भी थे जिनकी वजह से अधिकारियों में भ्रम की स्थिति बनी रही। जहां कई वैध बूचड़खाने भी सील कर दिए गए, वहीं एंटी रोमियो स्क्वाड के गलत इस्तेमाल करने की बातें भी सामने आई, जिसके बाद सरकार को इन आदेशों के लिए एक गाइडलाइन जारी करनी पड़ी। लघु और सीमांत किसानों के कर्ज माफी से सरकार की वाहवाही तो हुई, लेकिन कुछ किसानों को पैसों और रुपयों में माफी होने से सवाल भी उठे। मेगा शोज आर बीन ऑर्गेनाइज्ड एवरीवेयर, 3 lakh, 5 lakh, 10 lakh रुपीज आर स्पेंट ऑन द पंडाल्स एंड मिनिस्टर्स आर गोइंग एंड बिग होर्डिंग्स एंड एडवर्टीजमेंट्स आर गिविंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स एंड देन लोन वेवर ऑफ 1 rupee, 10 rupee, 30 rupee, 100 rupees एंड लेटेस्ट केस ऑफ मथुरा इज 1 naya paisa। योगी सरकार की सबसे ज्यादा किरकिरी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हुई। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की हुई मौत ने पूरी व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। ऑक्सीजन की कमी की बात को झुठलाने पर भी सरकार की खूब किरकिरी हुई। वैसे शुरू के 3-4 महीने कानून व्यवस्था को लेकर भी योगी सरकार निशाने पर रही, लेकिन उसके बाद ताबड़तोड़ एनकाउंटर और बदमाशों की गिरफ्तारी से न सिर्फ अपराधियों में खौफ पैदा हुआ बल्कि हालात भी सुधरे। मार्च 2017 के पहले स्थिति कहाँ थी, ये किसी से छुपी भी नहीं है। प्रदेश के अंदर अगर हम 2012 से 2017 के बीच का देखें तो एवरेज प्रति सप्ताह 2 बड़े दंगे प्रदेश के अंदर होते थे। इन 6 महीनों में एक भी दंगा नहीं हुआ और प्रदेश के अंदर साथ ही साथ आम जन के अंदर एक जो असुरक्षा का सा भाव था, आज आम जनमानस इस बात को लेकर विश्वास कर सकती है। और यही वजह है कि योगी सरकार अपने 6 महीने पूरे होने की सबसे बड़ी उपलब्धि कानून व्यवस्था को ही बता रही है। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।
तो योगी की छमाई पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और शो के दौरान और भी मेहमानों के हम अपने साथ जोड़ेंगे। कमलाकर त्रिपाठी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, स्वागत है कमलाकर जी आपका स्टूडियो में। और अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अवधेश जी आपका भी स्वागत है। और पहला सवाल भी अवधेश जी आपसे ही, 6 महीने कितना वक्त होता है किसी भी सरकार के लेखे जोखों का आंक लेने का? क्योंकि देखिए विपक्ष ने भी वहां पर कहा कि योगी जी नए हैं और हम बहुत त्वरित सवाल नहीं उठाना चाहते, लेकिन 6 महीने कितना वक्त है आपके लिहाज से? नहीं, विपक्ष जो भी कहे त्वरित सवाल उठाना नहीं चाहते, लेकिन 6 महीने में वो जो कहा जाता है होनहार विद्वान के होत चिकने पात, 6 महीने में ये संकेत और संदेश मिल जाता है कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है, वो कितना काम कर सकती है, क्या उसकी क्षमता है, उसकी सोच क्या है, उसकी दिशा क्या है, इन सब का अनुमान लगाने के लिए 6 महीने पर्याप्त हैं। उपलब्धियों के लिए 6 महीने भले पर्याप्त नहीं हो, तो इस दृष्टि से हम देखें तो जो योगी की सरकार है उसके जरा मिश्रित संदेश मुझे यह है कि इरादतन तो योगी सरकार ने दिखाया है कि वो उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर काम करना चाहते हैं, इरादे में उनको कहीं खोट नहीं है, लेकिन वो बेहतर करना चाहते हैं तो उसका रोडमैप क्या है, वो कंप्लीट रोडमैप को लेकर थोड़ा सा संशय है, और साथ ही साथ प्रायोरिटी क्या है, जो प्राथमिकताएं क्या है उसको लेकर के भी अस्पष्टता का अभाव है। लेकिन जैसा अभी योगी आदित्यनाथ कह रहे थे, एक मायने में काम जरूर हुए हैं, वो ये हुआ है कि अपराधियों के खिलाफ इसे 6 महीने में 20 सितंबर से लेकर के और 20 मार्च से लेकर और 14 सितंबर तक के जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार करीब 420 22 के 21 के आसपास इन्होंने इनकाउंटर किए हैं, 15 बड़े अपराधियों को मारा है, करीब करीब 1100 के आसपास अपराधियों को अरेस्ट किया है जिसमें 850 इनामी बदमाश हैं, तो वो एक एक, एक वातावरण है। लेकिन जो मूल वायदा था कि आने के बाद किसानों की खुशहाली का, उसकी दृष्टि से देखें तो लोन माफी को छोड़ करके कोई ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे हम वाकई ये मान सके कि किसान मुख्य प्रदेश या कृषि प्रधान प्रदेश जो है उसमें किसान वाकई खुशहाल हुए हैं। ठीक है, मंशा और नियत ठीक है लेकिन रोड मैप स्पष्ट नहीं है, ये आपका कहना है। कर्ज माफी की आप बात कर रहे हैं, 90 पैसे से लेकर 1.5 रुपए तक के भी चेक लोगों को मिले हैं, तो ये सवाल जो है वो बीजेपी से हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, उनसे हम पूछेंगे। लेकिन आपसे सर एक तो वेलकम, सबसे पहले तो आपका नासिर सलीम जी, समाजवादी पार्टी से हैं नासिर सलीम जी, आप कैसे देख रहे हैं 6 महीने के इस कार्यकाल को सरकार के? क्योंकि देखिए कल योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे कि विरासत उनको कोई बहुत अच्छी नहीं मिली, एक तो आप अच्छा कुछ छोड़ कर नहीं गए और ऊपर से सवाल भी उठाते हैं। देखिए मीनाक्षी जी, मुझे मैं कोई आश्चर्य नहीं हूँ ये उनकी बातों से, क्योंकि जहाँ तक विरासत का सवाल है, समाजवादी पार्टी ने जो काम किया और जो काम पिछले 5 साल में दिखा वो सबको पता है, वो दिखता है, हमने हर विषय में हर सब्जेक्ट में हमने बहुत बेहतरीन काम करके दिखाया। और मैं आपको अब थोड़ा पीछे लेना चाहूंगा 6 महीने पहले। सर सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन आप मुझे बताइए, आप ये कह रहे हैं कि आपने बहुत काम किया, मैं आपको बताता हूं, लेकिन 325 सीटें फिर भारतीय जनता पार्टी मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी डेमोक्रेसी है, जो राइट टू वोट का जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है वो उसके हिसाब से वोटर अगर हमको उनको लगा कि हम लोगों ने कुछ कुछ काम पीछे रह गए तो हम उसको पूरा करके दिखाएंगे, इसलिए हम विपक्ष में आ गए। मगर मेरा पॉइंट ये है मीनाक्षी जी कि आप 6 महीने पहले जाइए और जो संकल्प पत्र बीजेपी का आया था सबसे पहला विषय ये था कानून व्यवस्था। अभी आप देख लीजिए 6 महीने हो गए, एंटी रोमियो स्क्वाड का क्या हुआ? कुछ हवा पता नहीं, बंदी होगी अपने आप। पहले आप ही लोग चर्चा करते थे एंटी रोमियो स्क्वाड की, कुछ अब इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही उसके बारे में, क्योंकि पूरा फ्लॉप हो गया है वो। दूसरी चीज आप ये बताइए मेरे को, जो 13,000 मेगावाट सप्लाई बिजली हम लोगों ने जब हमारी सरकार थी आज की डेट में, उस टाइम संकल्प पत्र में था कि 24 घंटे बिजली दी जाएगी, 13,000 मेगावाट के बाद अगर कुछ भी इन्होंने मेगावाट जोड़ा है पिछले 6 महीने में तो उसके आंकड़ों से एक काम तो किया ना इन्होंने, वीवीआईपी जो आपने एरियाज डिक्लेयर करके रखे हुए थे और वहां जगमगाता था सब कुछ और बाकी जगह अंधेरा होता था, वो खत्म किया ना इन्होंने? देखिए वो आप ये तो आप पॉलिटिकली बात कर गई, हाँ ये तो नहीं ये बताइए, पॉइंट ये है कि 24 घंटे की का वादा था वो कुछ नहीं हुआ, 1 मेगावाट एडिशन नहीं किया है मीनाक्षी जी, सब जगह अंधेरा हो गया, सब जगह अंधेरा हो गया बिल्कुल। अच्छा तीसरी चीज मैं बताऊंगा, ये बता दीजिए एजुकेशन में
हम लोगों ने 1 लाख से ऊपर नौकरियां एक एक सेक्टर पे आएंगे सर हम आपके ठीक है आप जो कह रहे हैं विपक्ष में हैं और मजबूती से आप अपना पक्ष रखना और चाहेंगे सबसे बड़ी चीज मीनाक्षी जी एक हाँ। पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा किसानों के लिए जितना इतनी बड़ी पैमाने पे इनको वोट दिया गया ठीक है, सबसे किसानों पहले का पूरा समर्थन हुआ मगर एक एक पैसे का ये माफ करने की बात कर रहे हैं आप शर्म आनी चाहिए इनकी सरकार को किसानों के लिए काम करके दिखाएं और झूठ ना करें इनके सिर्फ कारनामे दिखते हैं और जो काम हमारे हैं उस पे ये वादा करके कह रहे हैं कि वो उन्होंने करा हमने एक्सप्रेसवे बनाया उसके बारे में कह रहे हैं उसको फिर रिलॉन्च करेंगे मेट्रो हमने काम करके दिखाया उस पे कह रहे हैं कि ये रिलॉन्च करके दिखाएंगे मतलब ये कारनामे बोल रहे हैं और काम हमारे बोल रहे हैं सच बात तो ये ठीक है। आप चंद्रभूषण पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से स्वागत है चंद्रभूषण पांडे जी बधाई 6 महीने पूरे हो गए हैं सरकार को कोई संकट नहीं है 325 सीटें हैं हम सब जानते हैं लेकिन 6 महीने में देखिए 6 बड़े निर्णय या 6 बड़ी बातें हैं जो हम उठाना चाह रहे हैं और सबसे पहले जो बात हो रही है वो किसानों को लेकर हो रही है पहली कैबिनेट होगी हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे सर एक तो कैबिनेट करने में ही देर लगाई वो तो चलिए पुरानी बात हो गई कर्ज माफ करके जो एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो रुपए के चेक पहुंच रहे हैं लोगों के पास क्या कर्जा माफ किया। देखिए अगर आप आंकड़ों पर जाएं तथ्यों पर जाएं तो एक सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश में विगत 15 वर्षों के किसानों को कुल अंतरित की गई राशि को भी अगर जोड़ लीजिए तो जो राशि हमने 6 महीने में दे दी उससे उसके बराबर वो लोग नहीं पहुंचते। 36,000 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ी राशि होती है एक राज्य में एक किसान सेक्टर में दे देना आप बताइए कि 10,96,000 से अधिक ऐसे किसान हैं जिनके 10,000 से लेकर 1 लाख के बीच जो है राशि माफ हुई मात्र 4 से 5 हजार किसान ऐसे हैं जिनका 10,000 या उससे कम का माफ हुआ तो आप 10 लाख की जो संख्या है 10 लाख किसान है आप ये छोटी मोटी संख्या नहीं 10,96,000 किसान ऐसे हैं जिनको माफ होने का औसत 10,000 से 1 लाख के बीच में है औसत 61,000 आता है आपकी राज्य की जनसंख्या इतनी है सर उसी से औसत निकलता है और पूरी दुनिया में ये चर्चा में है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र और ऐसे जो बड़े राज्य जो धनी राज्य माने जाते हैं वो भी अभी किसानों के जो कर्ज माफ करने की राशि है उनकी 34,000 करोड़ की है पंजाब की राशि भी हमसे कम है हमने 36,000 करोड़ रुपए की राशि एक मुफ्त अरे सर ये तो आप इतना बड़ा आंकड़ा गिना देते हैं आप इतना बड़ा आंकड़ा गिना देते हैं मेरा सवाल जो था 1 रुपए से लेकर 18 रुपए तक जो कर्ज माफ कर दिया आपने इटावा में बाराबंकी में जो किसान है वो बेचारे क्या करें वो तो कह रहे हैं कि इतना चेक का और स्याही का खर्चा हो गया हमको मिला कुछ नहीं 1 रुपए से लेके 10,000 के बीच के किसानों की संख्या लगभग 5,000 है किसानों की संख्या नहीं 1 रुपए से 18 रुपए का चेक किसानों की संख्या 10,96,000 है अब आप 10,96,000 की बात नहीं करेंगी आप 5,000 की बात करेंगी अरे वो 1 लाख होता तो भी बात हो जब समझ में आती 10,96,000 किसान ऐसे हैं जिनका मैंने 10,000 से लेके 1 लाख के बीच माफ किया है और अगर आप सांख्यिकी को विश्वास करते हैं तो औसत जो माफी है वो 61,000 पड़ती है औसतन 61,000 हर किसान का माफ हुआ है ये आंकड़ा है ये तथ्य है ये सत्य है ये सच्चाई है। अरे सर आप तो आंकड़े ऐसे कह रहे हैं जैसे हमारे आंकड़े झूठ बोल रहे हैं जो हमारे आंकड़ों का हम क्या करें इटावा बाराबंकी के उन किसानों का क्या करें जो अपना चेक दिखाते हैं हमको आंकड़ों में ही उलझाते हैं हमको चेक दिखाते हैं वो कि हमको 1.5 रुपए का चेक मिला है उसका क्या करें बीआरडी कॉलेज में बच्चों की मौतें होती है स्वास्थ्य पर आएंगे सर स्वास्थ्य पर आएंगे पहले किसान के प्रवक्ता भी कंप्यूटर को खोलेंगे यही आंकड़े निकलेंगे नहीं मैं आंकड़ों पे बता रहा हूँ मीनाक्षी जी बीआरडी कॉलेज में बच्चों की मौतें होती है उस पे इनके स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि पिछले आंकड़े देखिए उस समय ज्यादा लोग मरा करते 1250 मौतें हुई हैं उस पर हम आएंगे उनसे सवाल पूछेंगे लेकिन किसानों का मसला जो है किसान देखिए आपका बैंक जो है ये कहता है कि आपको लोन माफ नहीं करने चाहिए सरकारें जब चुनावों में जाती हैं या पार्टियां चुनावों में जाती हैं वो कहते हैं कि हम आएंगे और लोन माफ कर देंगे ये लोन माफ करना कौन सा रोड मैप है ये आपने भी किया है वो भी कर रहे हैं किसानों को लेकर सेंसिटिविटी की कमी है हमारे देश में या हमारे राजनीतिक पार्टियों में या क्योंकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है क्योंकि बड़े पैमाने पर किसानी की जाती है तो वोट बैंक वो बना रहेगा आपका आप लॉलीपॉप पकड़ाते रहिए उनको आपका प्रश्न मुझसे मीनाक्षी जी आपसे है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा मीनाक्षी जी कि इस देश में जो किसान है वो प्राकृतिक आपदा से मरता है उसको वो जो लोन लेता है उसको रीपे करने के लिए उसके लिए एसेंशियल कंडीशंस ये हैं कि मौसम का साथ होना जरूरी है अगर अनावृष्टि अतिवृष्टि ओलावृष्टि होती है और वो मरता है तो ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनको वो रिहैबिलिटेट करें उनको फिर से फैसिलिटेट करें कि वो अन्न उपजा सकें
और अब इस सरकार पे आना चाहूंगा मीनाक्षी जी, जो अवधेश भाई कह रहे थे एक दोहा, उसी तरह का एक दूसरा दोहा है। उन्होंने तो बड़ी तगड़ी बैटिंग की, तब जब तक बीजेपी वाले नहीं आए थे तो काफी उन्होंने संभाला उस चीज को कि उन्होंने कहा होनहार बिरवान के, मैं कहता हूं कि पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं मीनाक्षी जी, और इस पूत के जो लक्षण दिख रहे हैं अभी बड़ी बड़ी बातें ये कह रहे थे कि जो है दंगे नहीं हुए और ये नहीं हुए। सहारनपुर का एसएसपी का स्टेटमेंट है कि मैं और मेरा परिवार डर से कांप रहा था जब इनके सांसद अपनी भीड़ को लेकर के हमारे यहाँ चढ़े हुए थे। इनके नेता जाकर के मेरठ में थाने में अपने लड़के को छुड़ाने के लिए थप्पड़ मार करके दरोगा को और लड़के को बाहर लेकर के आते हैं, अगर मैं सही हूं, अंकित त्यागी नाम था शायद उसका। आप ये समझिए, ये सरकार पूरी तरह से आकंठ भ्रष्टाचार में लिपटी हुई सरकार है और इसके सारे लक्षण आपको सामने दिख रहे हैं। योगी जी जिस रायबरेली की जिस बच्ची से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, रेप पीड़िता बच्ची से, 3 दिन बाद पुनः उसी बच्ची पे एसिड अटैक होता है। आप ये समझिए, ये सरकार चला रहे हैं, ये सब रिपोर्ट करते हैं सर। प्रधानमंत्री मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी में ये गड्ढा मुक्त की बात कर रहे हैं, बनारस जो पर्यटन केंद्र भी है और प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी भी है, शहर के बीचों बीच, अरे इतना ठीक है, आप सारी चीजों पे आ रहा हूँ, फिर उनसे जवाब कैसे ले पाएंगे आप सारी चीजें एक ही साथ करेंगे तो। वो सारी चीजें दंगे को लेकर, दंगे को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आ जाते हैं, हम उनसे सवाल पूछ लेते हैं। सड़क धसी हुई है बनारस में, 40 फुट का गड्ढा है, लोग हंस रहे हैं चंद्रभूषण पांडे जी, ट्रेन निकलेगी और इसी से विकास आएगा। अरे सर आएंगे सड़क पर भी। आप मुझे चंद्रभूषण पांडे जी ये बताइए कि मुख्यमंत्री स्वयं ये कहते हैं कि अगर अगला पक्ष दंगा नहीं करेगा तो बहुसंख्यक समाज भी कुछ नहीं करेगा। ये इस तरह की बातें जब एक मुख्यमंत्री कहता है जिस जो कि अगवा है पूरे राज्य का, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन से किसी एक सेगमेंट को वो रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो पूरे सूबे का मुख्यमंत्री है, तो इस तरह की भाषा जो है, फिर आप कहते हैं कि हम तो देखिए कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन बयान फिर आप इस तरीके के देते हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी को 6 महीने में अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो कुछ चीजें बहुत स्पष्ट है। पहली चीज, अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें, क्या यह सच्चाई नहीं थी कि पिछले पांच वर्षों में 500 से अधिक सांप्रदायिक दंगे हुए? क्या यह सच नहीं है कि इस 6 महीने में कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए? क्या यह सच नहीं है कि इलाहाबाद में दो बच्चियों की रेप किया गया उनके परिवार के सामने और उसके बाद चार के चारों लोगों को मार डाला गया? क्या यह सच नहीं है चंद्रभूषण जी? क्या यह सच नहीं है जो सहारनपुर में हुआ? क्या ये जो मेरठ में हुआ और आगरा में हुआ वो सच नहीं है? क्या दलितों को जो है ठाकुरों के द्वारा मारा गया है जो है मेरठ में और आगरा में और सहारनपुर में, वो सच नहीं है? जिसको आप इस तरह से जो है वो सिलेक्टिव आंकड़े आंकड़े देना बंद कर दीजिए। ये प्रदेश में जो वस्तुस्थिति है उसकी बात करिए। और योगी जी जो बात करते हैं, इनके हिंदू वाहिनी के लोग जिस तरीके से मॉब लिंचिंग में शामिल होते हैं, वो क्या है करके तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके किसकी आंखों में झूल देख रहे हैं? पब्लिक सब देख रहे हैं कि आंकड़ों के अलावा कभी कुछ ये काम कुछ करके दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? आप ये बता दीजिए, बीआरडी हॉस्पिटल का के विषय पे बात कर लीजिए, पर हम आएंगे ना अभी कानून व्यवस्था है। मेरा जी बात ये है कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, आप उनको बचने का मौका दे रहे हैं, वो सब एक घुमाते हुए चले जाएंगे, फिर आपका जनता को जवाब नहीं मिल पाएगा। 1100 से अधिक पुलिस अपराधी, अरे आपने तो 800 ट्रांसफर कर दिए, आपने तो 800 ट्रांसफर कर दिए पिछले 6 महीने में। जब कोई डीएम या कोई एसएसपी काम करता है अपना तो आप उसको ट्रांसफर कर देते हैं। आंकड़ा दे देते हैं लोग जो है कानून को अपना काम करते हुए देने देखता चाहते हैं, उसकी पूरी आजादी। अच्छा ठीक है, चंद्रभूषण जी फेल हो गई है, चंद्रभूषण जी जनता को सबको पता है ये बात। चंद्रभूषण जी, 20 मार्च से 9 मई तक का 729 हत्याओं का मामला दर्ज है, 729 हत्याएं, ये सर जो रिकॉर्ड है वो मैं आपको बता रही हूँ।
803 बलात्कार हैं, 60 डकैती हैं, 799 लूट हैं, 2682 अपहरण की घटनाएं हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके चले, ये ऑन रिकॉर्ड है सर, और जो रिकॉर्ड नहीं होता वो आप बखूबी जानते हैं और हम आपसे बेहतर जानते हैं। मीनाक्षी जी, एनसीआरबी के आंकड़े को अगर ईमानदारी से देखा जाए, 2015 के बाद अभी उसके आंकड़े कंपाइल होकर नहीं आए हैं, 16 के भी आंकड़े अद्यतन उपलब्ध नहीं है। फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं शून्य अपराध की अवधारणा में विश्वास करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के एक एक आदमी की इज्जत, एक एक आदमी की जान हमें प्यारी है। मैं एक दुर्घटना को बर्दाश्त करने की नीयत से काम नहीं कर रहा हूं। मेरी पूरी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश शून्य अपराध की अवधारणा को प्रकटीकृत करे। हम उस आदर्श उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं, एक महिला, एक बच्चा, एक पुरुष, एक बुजुर्ग, सबके जीवन की रक्षा करना, सबको शांति और सुशासन की व्यवस्था देना, आदर्श है। ये आदर्श उद्देश्य को लेकर हम समर्पित हैं। बहुत आदर्श है सर। ये अपराध हो रहे हैं सर, ये आदर्श है। ऐसा नहीं कि अपराध है तो नहीं ना कर रहे हैं। मेरा सवाल जो है नहीं उसको लेकर है। किसी अपराधी को कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। अरे सर, ये तो आइडियल सिचुएशन है, हम चाहते हैं कि ऐसा हो। हम थोड़ा आपकी बात से इनकार कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं लेकिन जो हो रहा है, जो क्राइम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, जबकि बहुत सख्त संदेश दिया गया था। उस संदेश का क्या हुआ, ट्रांसफर कर देते हैं आप, लेकिन अपराधियों के ऊपर उस तरह की लगाम जो है वो नहीं नजर आ रही है सर हमको। अगर सरकार करा रही हो, सरकार किसी अपराधी को संरक्षण दे रही हो, सरकार ये भी कराने लगे, पीड़ित के साथ न खड़ी हो, अब सरकार ये भी करवाने लगे, दर्ज हो रही हो। मीनाक्षी जी, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को हम स्लो डाउन कर रहे हो, न्यायालयों में हम पैरवी प्रॉपरली न कर रहे हो, पुलिस को हम राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे हो, आईपीसी सीआरपीसी को काम करते हुए हम न देखना चाहते हो, इसका अच्छा। कोई एक साक्ष्य हमें बता दीजिए। आप एंटी रोमियो स्क्वाड बता दीजिए हमको, कहां है आजकल? पहली बार कानून काम कर रहा है। आप एंटी स्क्वाड स्टेट में तब्दील कर दिया हम लोगों ने। एंटी रोमियो स्क्वाड बता दीजिए सर, कहां है? पहले कभी चाचा चलाते थे, ताऊ चलाते थे, भतीजा चलाता था। आज उत्तर प्रदेश में कानून चलाता है, आज उत्तर प्रदेश चुनावों में बहुत हो चुका है, आज उत्तर प्रदेश को संविधान चला रहा है। चंद्रभूषण जी, एंटी रोमियो स्क्वाड कहां है आजकल? हाँ, नहीं, एंटी रोमियो स्क्वाड की ही एक सच्चाई है कि आज उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों से लेकर के हर स्कूलों में जो पढ़ाई के वातावरण है सुधरे हुए हैं। अच्छा, आज देखिए, आप किसी विद्यालय परिसर में चले जाइए, आप भी किसी परिवार से जुड़ी होंगी, आपके घर के भी कुछ लोग विद्यालय जाते होंगे, अगर यूपी में आपका रहना कभी हुआ हो या हो रहा हो। मेरा मानना है कि मैं तो अपनी आंखों से जो देख रहा हूँ, ढेर सारे कॉलेजेस में आज स्कूलों के बाहर जो इस तरह के रोमियो टाइप के लड़के भटकते हुए दिखते थे, आज वो नहीं दिखते हैं, एक सच्चाई है। ये समाजवादी पार्टी के हमारे साथी भी स्वीकार करेंगे। नहीं, पता नहीं आप कहाँ देखते हैं, हमें तो नहीं नजर आ रही है, हमें नहीं नजर आते सर, हमें नहीं दिखते हैं। पीलिया हुई आंखों को सब कुछ पीला दिखाई देता है। आपके साथ भी यही हो गया है पांडे जी। बेसिक चीज जो है, योगी आदित्यनाथ के मंच पर गोरखपुर के अंदर अमर मणि त्रिपाठी पाए जाते हैं, वो क्या है? वो क्या संरक्षण नहीं है अपराध को? जिस तरीके से आपके उन्हीं के कंस्टिट्यूएंसी में आपका विधायक जो है वो आईपीएस अफसर को जो है जिस बुरी कदर से डांटता है कि उसकी आंखों में आंसू आ गए, और वो भी किस लिए? क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर का काम कर रही थी, आपके कार्यकर्ताओं को वो गलत काम करने से रोक रही थी। देखिए आप, इसके लिए उसको इस बुरी कदर से जो है वो डांटते हैं। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपने तो उत्तर प्रदेश को उस स्थिति में ला दिया है कि न प्रशासन कोई काम करना चाह रहा है और न ही सरकार कोई काम कर रही है। आपने बेसिकली उत्तर प्रदेश को डिरेल कर दिया है पूरी तरह से। अवधेश जी, थोड़ा सा शायद बेहतर चंद्रभूषण जी आपका बचाव कर पाए, क्योंकि आपके पास तथ्यों की आंकड़ों की कमी नजर आ रही है, इनके पास ज्यादा आंकड़े मुझे नजर आ रहे हैं। मई के बाद सर कानून व्यवस्था कहा जा रहा है कि थोड़ा सा उसमें सुधार हुआ है, 420 एनकाउंटर किए, 15 बदमाशों को भी ढेर किया, 1106 बदमाश हैं जिनको गिरफ्तार भी किया। तो ये क्या हम उसी लिहाज से समझें कि देखिए, जब नई सरकार आई तो थोड़ा सा एक डेडलॉक कुछ चीजों को लेकर था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा गति पकड़ी और क्राइम का ग्राफ है। लेकिन सर, सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ, इससे थोड़ा सा उलट है कि रिपोर्ट होना और रिपोर्ट ना हो पाना, क्या स्थिति वो तो नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है कि प्रशासन और पुलिस बिल्कुल बदल गई हो, और प्रदेश से बिल्कुल गुंडागर्दी और रंगदारी खत्म हो गई हो, ये स्थिति तो दिखाई नहीं पड़ती, इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अभी कमलाकर जी ने व्यक्तिगत कटाक्ष मुझ पर किया
की आते हुए मेरा दूसरा कहना है, जरा मैं भी एक राजनीतिक लाइन बोल लूं कि क्या कांग्रेस तो खैर लंबे समय से शासन में नहीं, वो कुछ भी बोल सकती है, लेकिन क्या समाजवादी लेकिन नहीं नहीं एक बोल सकते हैं, लेकिन नहीं 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 समय में जो स्थितियां नहीं नहीं मैं आपको टोका नहीं हूं, ना आप मेरे बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में ना बोलता नहीं हूं, जो आप बोलते रहे मेरे पर भी तो मैंने कोई टिप्पणी नहीं, आपके ऊपर मैंने तो आपकी बड़ाई की भाई संभाला हुआ था भाई, तो कटिंग की आपने, मैंने मैं कहा आपके ऊपर कुछ बोल रहा हूं, लेकिन क्या समाजवादी ये जो हालत बताई जा रही है, क्या समाजवादी पार्टी ने कानून और व्यवस्था स्थिति बहुत अच्छी बना के रखी थी और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद वो खराब हो गई, क्योंकि मूल्यांकन का एक आधार ये भी होगा कि सरकार आने के पहले कानून और व्यवस्था की क्या स्थिति थी और उसके बाद क्या स्थिति है, जो भारतीय मैंने जो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला 325 की आप बात कर रही हैं, उसमें एक बड़ा कारण कानून और व्यवस्था की समाजवादी पार्टी सरकार की विफलता थी, तो इसलिए कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी कोई तर्क देती है तो फायर हो गया भैया, लेकिन सरकार के आने के बाद गुंडों में और भय तो जरूर पैदा हुआ है, देखिए इसको इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि बदमाशों के अंदर थोड़ा भय पैदा हुआ है, उसके बारे में आपके समय नहीं था, नहीं हमारे समय नहीं था, आपके समय तो और जरूरी है स्वीकार करना। और मीनाक्षी जी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, यूपी 100 जब हमने लॉन्च किया, आज की डेट में इंटरनेशनल एक मिनट जो समाजवादी पार्टी सरकार ने यूपी 100 जो लॉन्च किया वो आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे डिस्कशन हो रही है, उसकी ISO 9001 की सर्टिफिकेशन दी जा रही है, आपको ये बताइए लेकिन अगर आंकड़ों के अलावा अगर अगर सर उसको प्रदेश की जनता ने नहीं माना तो फिर अंतर्राष्ट्रीय जगत पर चर्चा हो उसके लिए खुश हुआ जा सकता है, उसकी तारीफ की जा सकती है, लेकिन जनता जनता को भरोसा जताना चाहिए था सर, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर टीवी और पत्रकारों ने ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे स्वास्थ्य को लेकर बात होगी, स्वास्थ्य का वो आप सबका एक बार फिर से देश देख रहा है योगी की छमाई और 6 महीने 6 बड़े फैसले जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो किरकिरी हुई सरकार की, क्योंकि देखिए बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सवाल उठे, बिजली में सवाल उठे, सड़क पर सवाल उठे, लेकिन जो सबसे ज्यादा मुश्किल चुनौती पेश कर रहा है सरकार के सामने वो स्वास्थ्य है। गोरखपुर में जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई, ऑक्सीजन की कमी, और इकलौता गोरखपुर नहीं है, यूपी के और तमाम जगहों से भी खबरें आई और वहां पर एक्सपायरी डेट के दवाइयां मिलने से लेकर एक्सपायरी डेट का ड्रिप चढ़ाया जाना, तमाम चीजें हमने बकायदा रिपोर्ट भी की हैं। लेकिन सर सवाल मेरा आपसे है ये कि आप मुझे ये बता दीजिए कि स्वास्थ्य को लेकर इतनी बेरुखी क्यों है और इनसेंसिटिव हमको सरकार नजर आई। गोरखपुर का घटनाक्रम जैसे ही आया, जो पहली कॉन्फ्रेंस सिद्धार्थनाथ सिंह ने की, उसने एक तरीके से आघात जैसा काम किया लोगों के, आघात लगा सर उनको सुनकर जिस तरीके से वो बोले, उसके बाद लगातार स्थितियां बढ़ती चली गई और योगी जी तो यहां तक कह गए कि सरकार की तरफ ही मुंह बाय सब देखते हैं, 2 साल के बच्चों को भी सरकार के भरोसे लोग छोड़ देंगे, ये आपकी संवेदनशीलता है मीनाक्षी जी? ये सच है कि उत्तर प्रदेश में मायावती जब थी तो उस समय राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाला बहुत चर्चा में रहा, 5,000 करोड़ से अधिक के घोटाले हुए, दर्जनों लोग उसमें आत्महत्याएं किया है, गोरखपुर से योगी जी खुद आते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार आई गोरखपुर से योगी जी खुद आते हैं, खेलती रही पांडे जी, संसद में रो रहे थे गोरखपुर के लिए, मैं विषय पर आ रहा हूँ। देखिये ये सच्चाई मीनाक्षी जी, देखिये मीनाक्षी जी बैकग्राउंड को समझना होगा। देखिए जब योगी सरकार ने सत्ता संभाली तो योगी जी ने BRD कॉलेज के दौरा के पहले, वो उनका 16वां दौरा था, 15 इसके पहले 15 अस्पतालों को दौरा कर चुके थे और मैं व्यक्तिगत रूप से उनको पिछले 10 सालों से जानता हूँ,
मैंने देखा दौरों के परिणाम क्या है, दौरों के बावजूद अगर ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर गए। और जो मीनाक्षी जी बता रही है, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो कितना अमानवीय था, चुकी एक बड़ा सवाल है स्वास्थ्य का, तो मैं थोड़ी बात रखूं। मैं इतना बताना चाह रहा हूँ, आज उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे को सही करने की दृष्टि से हम लोग बहुआयामी काम कर रहे हैं। अच्छा। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने स्वास्थ्य नीति लाई थी, उसके बाद 15 सालों तक स्वास्थ्य का ढांचा देश में चरमराता रहा। 2017 में पुनः मोदी जी ने स्वास्थ्य नीति लाई। आज बच्चों के जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और बच्चों का जो बाल मृत्यु दर है, वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश और ऐसे तमाम राज्यों में जो राष्ट्रीय मानक है उससे बहुत ऊपर है, और उसको घटा करके हम लोग नीचे लाने के लिए कई तरीके के प्रयास कर रहे हैं। इसमें जिला स्तर पर हाईटेक अस्पतालों की व्यवस्था हो, या दवाइयों को खरीदने के लिए पारदर्शी हो, गुणवत्ता की दवाइयों खरीदने के लिए कॉर्पोरेशन के गठन का मामला हो। जी हमारे आपके नहीं मरते हैं तो हम ये कह सकते हैं। ये सब शब्दों में व्यतिक्रम हुआ है, और वो शब्दों के साथ हमारी संवेदना को न तोला जाए। हम लोग बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर, बच्चों के जीवन को लेकर के अत्यंत संवेदनशील है, गहरी संवेदनाएं हमारी रही है। कोई आदमी, हमारे भी बच्चे हैं, कोई भी आदमी कभी नहीं चाहेगा कि किसी बच्चे का अकाल मृत्यु हो, कोई बच्चा अकाल काल के गाल समा जाए। ये हम नहीं चाह सकते, कल्पना नहीं कर सकते। हमारा सपना है कि धरती पर जन्म लेने वाला हर बच्चा महफूज हो, सुरक्षित हो, सरकार को बच्चा दिया है क्या, सेवाएं मुहैया कराएगी। चंद्रभूषण जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे, हम कृत संकल्पित है इसके लिए। चंद्रभूषण जी, किसी व्यक्ति ने, गरीब से गरीब व्यक्ति ने, उसको खाने को नहीं है, उसने बेच चाहे दिया अपना बच्चा, किसी ने अपना बच्चा सरकार को दिया है क्या कभी? कहां से योगी जी को याद आ गया कि लोग चाहते हैं कि 2 साल का बच्चा हो जाए और सरकार पाल ले उसको? कैसे कह दिया उन्होंने? और आप कहते हैं शब्दों पर ना जाएं। वो उनके भाषण को क्या है, वो एडिटेड भाषण सामने आया। अच्छा, उसके पहले उन्होंने क्या बोला, उसके बाद क्या बोला, अगर उसको पूरा आप देखेंगे तो संदर्भ समझ में आएगा। लोक कल्याणकारी राज्य किसी के जन्म लेने से मृत्यु तक काम करता है, वो अंतिम संस्कार में भी हम काम करते हैं। बच्चा का जन्म है, बच्चा का टीकाकरण है, बच्चे को आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण आहार देना है, बच्चे को स्कूल देना है, किताबें देनी है, यूनिफॉर्म देना है। नहीं आएगा सर, आपकी तरफ से जवाब नहीं आएगा। मुझे देना है, आपकी तरफ से जवाब नहीं आएगा। सब कर रहे हैं, शब्दों पर जाना चाहते हैं, आपका केवल आंकड़ों की जादूगरी दिखाना चाहते हैं। छोड़ दीजिए चंद्रभूषण जी, नासिर जी, आप जब आए सत्ता में तो आप ऐसा नहीं है कि उस दौरान बच्चों की मौतें नहीं हुई या स्वास्थ्य है जो विभाग है बहुत बागो बाग था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी तरफ से ये कह दिया गया था कि हमको तो मायावती जी की तरफ से जो मिली है लेगेसी, और हम क्योंकि हमको विरासत ऐसी ही मिली है मायावती जी की तरफ से, तो अब समाजवादी पार्टी क्या करे? अब वो समाजवादी पार्टी के ऊपर दोषारोपण कर देंगे। वो आदमी जो देखता है सरकार की तरफ वोट देते वक्त की सरकार हमको कम से कम एक बेसिक सुविधा जो है स्वास्थ्य को लेकर वो मुहैया करवाएगी, आप भी फेल हुए, वो तो फिर आपके ऊपर आरोप लगाई देंगे। देखिए मीनाक्षी जी, जहाँ तक बीआरडी का सवाल आपने उठाया और गोरखपुर का, मैं इसको प्रोडिसाइज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, और अभी भी हमारे बच्चे जो हैं ख़त्म हुए हैं उस पर बहुत शर्मनाक तरीके से जो भी हुआ। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी सरकार का सवाल था, हम कहते हैं कि देखिए कुछ कमियाँ थी और मेडिकली में तो डेफिनेटली कुछ कमियाँ रही हैं, मगर हम लोगों ने क्या किया, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं एक सुझाव देना चाहूँगा अपने बीजेपी प्रवक्ता को, साहब को, कि देखिए हम लोगों ने क्या बोला। हमने कहा 108 हमने डिसेंट्रलाइज करे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, हमने ये कहा कि हमने जैपनीज एंसेफलाइटिस, एक वेरिएंट आता है एंसेफलाइटिस का, जो हम लोगों ने ख़त्म कराने की कोशिश करी, हमने उसकी एक वैक्सीनेशन 2015 और 2016 में बहुत इफेक्टिवली हमने उसको लॉन्च किया, और डिसेंट्रलाइज हमने किया, हमने डॉक्टरों को पहले ही सेंसिटाइज कर दिया उन जिलों में, उन शहरों में जहाँ पे एंसेफलाइटिस का एक अटैक आता है एक पर्टिकुलर महीने में, जुलाई अगस्त सितंबर में, ठीक है। मगर कभी इस 5 साल के दौरान में कभी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं हुई। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन शासन का फेलियर है। और मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब योगी आदित्यनाथ जी वहां पे गए 10 दिन पहले, उससे 10 दिन पहले भी, मतलब 20 दिन के दौरान में 2 बार ही गए वो, उन्होंने अपनी फोटो अपॉर्चुनिटी कराई, मीडिया को दिखाई कि मैं खड़ा हूँ बीआरडी हॉस्पिटल पे, सर, हम, मगर वो तो हम कोई जांच नहीं हुई कि आप 15-15 बार मुख्यमंत्री जा, और उसके बाद भी अगर इस तरीके का लूप होल नजर आए कि ऑक्सीजन ना मिल पाए, तो ये तो शर्मिंदगी की बात है, और स्वयं स्वतः संज्ञान लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन बयान जो आए उन्होंने और ज्यादा शर्मिंदा ही किया। दरअसल हम अपनी चर्चा में अपने दर्शकों की राय को शामिल करते हैं। हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने अपनी राय भेजी है, वो क्या कह रहे हैं, और हमारा सवाल योगी सरकार के 6 महीने के कामकाज को लेकर था। योगी आदित्यनाथ आज तक के सबसे बुरे सीएम साबित हुए हैं, चूंकि
बीते दिनों हुए बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं दर्शाती हैं कि वो नाकाम साबित हुए हैं, और वो भी उनके ही क्षेत्र में जहां पे वो सांसद रह चुके हैं, सवाल खड़ा करती है। चलिए, तो मधुबनी से हमारे साथ दर्शक थे, और प्रतापगढ़, यूपी के प्रतापगढ़ से आशीष एक और हमारे दर्शक जिन्होंने अपनी राय भेजी है, उनकी राय भी अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। योगी जी के छः महीने के कार्यकाल के बारे में बस कितना ही कहना चाहूँगा कि अभी ज़मीन पे कुछ हुआ नहीं, 24 घंटे बिजली देने का बात किया, पूरे 72 जिलों में बुरा हाल है, सड़कें 100 दिन में गड्ढा मुक्त हुई नहीं, सड़कों का हाल एक बार आप फिर से देख लीजिए जा करके, केवल अभी पिछली सरकार की कमियाँ गिरा रहे हैं। अरे पिछली सरकार की कमियाँ लोग जान रहे हैं, तभी तो आपको जिताए हैं कि आप अच्छा करेंगे, 6 महीने से आप उनकी कमियाँ गिना रहे हैं। एंटी रोमियो दल केवल कुछ दिन का था, अब कहीं कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसी चीज करें जो पूरे 5 साल तक चले। चंद्रभूषण जी, आंधी की तरह योजनाएं ले आइए नई नई, और तूफान की तरह फिर उनको वापस भी कर दीजिए, यही रोड मैप है क्या? नहीं, देखिए, मैं आपके श्रोता को स्पष्ट करना चाहूंगा, हम कमियां नहीं गिना रहे। हमने अगर समूह ग और घ के इंटरव्यू समाप्त किया तो कमियां गिनाना नहीं है। अगर हमने 16 लाख नए कनेक्शन बिजली के बांटे तो कमियां गिनाना नहीं है। हमने 6 महीने में 6 लाख ये तो देखिए तो कमियां गिनाना नहीं है। अगर 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 हमने जो है 37 लाख टन गेहूं खरीदा, तो बात सुन लीजिए, 37 लाख टन गेहूं सीधे बिना बिचौलिया के खरीदा, तो कमियां गिनाना नहीं है। अच्छा। अगर हमने गन्ना किसानों को 23,000 करोड़ का भुगतान किया इस अवधि में, तो कमियां गिनाना नहीं है। अगर देखिए, आप सच्चाई पर आइए, आप उन तथ्य पर आइए, आंकड़े, हम कमियां गिना, जब 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों में गड्ढे थे तो डिबेट का विषय, टेलीविजन देख रहे हैं तो आप लगातार दिखा रहे हैं, कम भरे गए हो ज्यादा, 6 महीने 6 बड़े फैसले करके हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, काम किया है, लेकिन कमियां आप गिना रहे हैं कि आपको विरासत ऐसी मिली, एक दिन पूरा कमियां ही गिनाई आपने, आज 6 महीने हुए तो आज अपनी उपलब्धियां गिनवा कर गए। अगर इतनी कमियां थी और इतना कुछ नहीं मिला था, इतना कुछ नहीं मिला था तो फिर आपकी उपलब्धियां कैसे हो गई, फिर उपलब्धियां कैसे हो गई सर? अगर कुछ मिला ही नहीं था तो फिर तो जीरो से आपने, स्क्रैच से आपने शुरू किया, तो बल्ले बल्ले है सब कुछ। अगर ये कचरा न होता तो आज हमारी उपलब्धियां 2 गुना ज्यादा होती, ठीक है? अगर समाजवादी पार्टी द्वारा पैदा किया गया कचरा, नासिर जी इसे जवाब देते हैं इसका, सर इतना कचरा क्यों दे गए? आज हमारी उपलब्धियां 2 गुना ज्यादा होती, और इतना कचरा किया इसी वजह से आप कितने परसेंट गए? मीनाक्षी जी, जो कर्जा है 250%, इनकी सोच इतनी कचड़े वाली है कि ऑब्वियसली ये कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। इनका काम क्या? इनका काम यही है कि भाई पिछले वाली सरकार को दोषी ठहराना। भाई आप ये बता दीजिए, आपने 6 महीने में कुछ बेरोजगारी में कुछ करा? इतने बड़े बड़े वादे कर दिए, जुमलाबाजी। बता दीजिए नासिर जी, आप ये बता दीजिए, देखिए वो कह रहे हैं कि 23,000 करोड़ से ज्यादा गन्ना का भुगतान उन्होंने किया, गन्ना का किसान परेशान तो था ही, तो वो उन्होंने भुगतान किया है। देखिए सत्ता में तो इसलिए ना कह दें, 1,40,000 हमने कर्जे माफ किए, और हमारे कर्जे माफ नहीं हुए, 1-1, 2-2 रुपए और 10-10 पैसे हमने किए 50,000 तक के जो दिखते थे और दिखे हैं, और उन किसानों से आप पूछ, फिर भी आप इतना कर्जा छोड़ गए जो उनको माफ करना पड़ रहा है। वो तो देखिए, जो कोऑपरेटिव बैंक के थे सारे कर्जे 50,000 तक, जैसे मैंने आपको बताया, हमने पूरे माफ किए। 1,40,000 जो जमीन थी किसानों की, उनको हमने फ्री करवा के दी, ये सब हमने करा के दिया 2012 से 17 में, उसके बारे में जिक्र कर दीजिए। किसान माफी पे हमने काम करके दिखाया, आपने तो कुछ नहीं किया, आप तो जुमलेबाजी कर रहे हैं, आपका तो 1 और 10 पैसे और 20 रुपए यही आपका चल रहा है, आंकड़ों से दे रहे हैं आप हर जवाब। तो हम उठा रहे हैं ना, वो तो हमारे पास जो कुछ आंकड़े हैं वो हम कह रहे हैं, लेकिन सबको तो 2-2 रुपए के चेक नहीं मिले हैं, माफी तो उनकी तरफ से हुई है। बोल रहा हूँ जो पब्लिक डोमेन में है, नहीं कोई पब्लिक डोमेन में ये है कि बीजेपी सरकार फेल हो गई है 6 महीने में, और ये सरकार बहुत बुरी तरह फेल हो गई है। सरकार का ये कहना, योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि हमको विरासत आपका कोई भी विषय गिनवा देना, ये थोड़ा सा वक्त और क्या देना चाहिए, क्योंकि देखिए उनकी व्यक्तिगत छवि को लेकर बहुत ज्यादा बातें हुई हैं, काम कहाँ कितना हो रहा है वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी हो गया है, क्या उनका व्यक्तित्व अपनी ही सरकार पर भारी पड़ रहा है? देखिए, ये जिस प्रकार से मतलब केंद्र में नरेंद्र मोदी का एक व्यक्तित्व है, और उसके सामने मैं समझता हूँ जैसे आज पूरी पार्टी जो है नरेंद्र मोदी पर निर्भर है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व इतना बड़ा बना दिया गया है कि उस व्यक्तित्व के सामने पूरी पार्टी और सरकार जो है लगता है जैसे एक एक, 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 एक नतमस्तक के समान, मान लीजिए शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ, तो वो तो है, क्योंकि आने के बाद जो एक उम्मीद और विश्वास उन्होंने अपने भाषणों से जगाया और बाकी किया, तो वो तो एक दबाव उन पर है कि उस जिस स्पीड में आपने भाषण दे दिया, जो उम्मीद जगा दी, उसी स्पीड में काम करना और सत्ता को परिवर्तित करना और सब कुछ दे देना वो आसान नहीं होता है। लेकिन मैं जो कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा
कि जिस प्रकार से एक एक चीज को लेके आगे बढ़ने की जरूरत है रोड मैप बना करके, ऐसा नहीं था कि समाजवादी पार्टी ने उनको स्वास्थ्य के अच्छे ढांचे दे दिए हो और उसको बिगाड़ दिया हो, या किसानों को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने देश में खुशहाल रखा हो, भारतीय जनता पार्टी आने ने उसको बिगाड़ दिया हो। जो मूल भारत की समस्या रही है स्वास्थ्य की, जिसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वो किसी सरकार में नहीं मिली, अभी तक योगी सरकार में भी नहीं है। लेकिन मेरा अपना कहना है कि योगी आदित्यनाथ को यह ध्यान रखना होगा, जो प्रश्न आपका है यह बहुत महत्वपूर्ण है, कि सरकार का काम बोले न कि योगी का व्यक्तित्व बोले। योगी का जो अपना एक एक, एक इतना बड़ा ना वो व्यक्तित्व हो जाए कि उसके सामने सब कुछ छोटा पड़ जाए और बाकी वही प्रमुख रह जाए, तो इतना बड़ा हो गया कि उनके पिताजी कहते हैं कि 2024 में वो प्रधानमंत्री नहीं ना, तो उसकी क्षति पार्टी और स्वयं योगी आदित्यनाथ को होगी। आपको पार्टी और सरकार के कद के अनुरूप अपना कद बना करके आगे बढ़ना पड़ेगा, इसके लिए तरीका निकालना पड़ेगा जो अभी तक नहीं निकला है। ठीक है सर, आपको भी लगता है कि व्यक्तित्व को लेकर ज्यादा बातचीत हो रही है बजाय कि सरकार अपने कामकाज पर ध्यान दे। देखिए व्यक्तित्व फिर इकलौता मोदी या योगी का ही नहीं है, फिर व्यक्तित्व की बात होने लगेगी तो फिर वो उधर से और दो चार नाम गिनवा देंगे। यहाँ पर भी अगर मुलायम और अखिलेश के अलावा और व्यक्तित्व की बात हुआ नहीं करती थी तो ये, लेकिन सरकारों के लिए कितना घातक होता है, उस जनता के लिए कितना घातक होता है जो इस इंतजार में रहती है कि उनके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, या महिमा मंडल ज्यादा देखा जाता है। आप व्यक्तित्व की बात कर रही हैं मीनाक्षी जी, मुझे तो हंसी आ रही है। जिस व्यक्ति पर मुकदमे चल रहे हों पचासों, जिनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य पर हत्या अपहरण लूट और उसके मुकदमे चल रहे हों, वो उसका व्यक्तित्व ये तो हम जानते हैं, योगी जी का व्यक्तित्व की तो बात ही छोड़ दीजिए, प्रयास तक का दंगा सब मामला है, लेकिन बावजूद उसके एक सिंपल बात मैं जानता हूँ कि तुम्हारे रेशमी बिस्तर से शहर का मौसम गुलाबी है, मगर जुम्मन के यहाँ अभी वही टूटी हुई रकाबी है। चीज ये है कि जिस तरीके से इन्होंने, अरे पांडे जी बहुत देर आपकी बात सुन ली, अब काहे बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी सुन लीजिए, आप लोगों ने जिस प्रदेश को जिस स्तर पर लाया है, बीआरडी कॉलेज की बात कर लीजिए तो गोरखपुर की जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के लिए योगी आदित्यनाथ संसद में रो रहे थे, और वही से योगी आदित्यनाथ जी दौरा भी करते हैं। मतलब ये पांडे जी स्वयं स्वीकार रहे हैं कि वो इन एफिशिएंट सरकार है, इन एफिशिएंट मुखिया है, भगवान भरोसे सरकार चल रही है ये। और जो स्वास्थ्य में काम करने की बात है, अवधेश भाई को भी याद दिलाना चाहूंगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये दोनों जो है वो कांग्रेस की केंद्र सरकार की देन है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बात कही थी कि डबल इंजन की सरकार लगेगी और फड़फड़ गाड़ी दौड़ेगी, वो गाड़ी इनकी केंद्र की रेलवे की तरह ही डीरेल हो गई है, पटरी छोड़ के भाग गई है। फिर ये क्या कहते हैं ना, ये तो कहते हैं कि हम नसीब वाले हैं, आप लोग मेहनत करके जाइए, फीता काटने का बात सही है, ये तो बात सही है, ये मार्केटिंग वाले लोग हैं, ठीक है, ये मार्केटिंग करते हैं, हम मार्केटिंग नहीं कर पाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रभूषण पांडे जी सड़कों पर आ जाते हैं, सड़के जो है गड्ढा मुक्त, कहा था कि 100 दिन में कर देंगे। सर मैं आती हूँ यूपी से, गड्ढे मिलते हैं मुझको जी, खाई है खाई, गड्ढा छोड़ दीजिए। हेलो जी, सुन रहे हैं सर, आप बताइए। हेलो सर, लाइन में तो गड्ढे नहीं हो गए हैं अब, नहीं एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या सड़कों गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर बात करना चाहते हैं। देखिए ये सच्चाई है, 100 दिन जो सड़कों की विरासत मिली मीनाक्षी जी, सर विरासत ही तो मिलेगी ना सर, सरकार आपकी पहले नहीं थी तो विरासत ही मिलेगी आपको, तो जो विरासत मिली आपको, किसी ने कहा था कि आप ऐलान करें आकर कि हम 100 दिन में गड्ढा मुक्त कर देंगे, सड़कें बनाएंगे, आपको किसी ने कहा था सर, आपको किसी ने कहा, मजबूर किया क्या ये कहने को, आपने क्यों कहा? हमने 70,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कों को 100 दिन में गड्ढे भरे हैं सर, वो 70,000 किलोमीटर कहाँ है? देखिए सड़कें कोई आंकड़े में नहीं, सड़कें तो आंखों के सामने है, हमने सर बकायदा रिपोर्टिंग की है, लेकिन हमने बकायदा रिपोर्टिंग की है, हमारे रिपोर्टर जाकर दिखाए हैं उन्होंने गड्ढे हैं, इनके इस तरह के जब ये घोषणा करते हैं बिना किसी काम करने की जरूरत है, प्रायर हमारा आउट के, हमने तो अपने तो होता ये है कि जो अधिकारी थे उन्होंने ठेकेदारों को कहा कि बड़ा बड़ा के गड्ढे दिखाओ और उसका पेमेंट 100 दिन के अंदर कर दिया, हमारे रोल मॉडल अखिलेश यादव नहीं है, हमारे रोल मॉडल राहुल भाई, उनसे जवाब, हमारे रोल मॉडल हम स्वयं हैं।
बीजेपी हमने अपना लक्ष्य मॉडल बड़ा रखा है, बन रहे हैं और वो भी नरेंद्र मोदी जी और योगी जी दोनों लोग मॉडलिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये देश को आपने रचित बना लिया है, खाली लफाजी करना, बड़ी बड़ी बातें करना, ग्राउंड लेवल से कुछ नहीं कर रहे हैं। चंद्रभूषण जी, सड़कों के नाम बदल दीजिए आप, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस को आप कह दीजिए कि अब ये पूर्वांचल एक्सप्रेस है, क्या बदल जाएगा सर? आप पूरा करवाइए ना, बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी पूरा करवाइए आप, उसकी भी चर्चा कर लीजिए। हम झांसी से भी जोड़ रहे हैं, जिलों का नाम बदल दीजिए, योगी आदित्यनाथ गए थे, क्या हासिल कर लेंगे? तालाब एक दिन पहले का सूखा तालाब वहाँ अधिकारियों ने भर करके ये दिखाया कि वहाँ बड़ा जो है सर वीआईपी कल्चर है, ये वीआईपी कल्चर है, वीआईपी कल्चर है। ये जब दलित के यहाँ मिलने जाते हैं तो उसको शैम्पू और साबुन दिया जाता है, बिस्लेरी का पानी पहले भी पहुंचता रहा है, ये भी सब रिपोर्टिंग है। आप जो कर रहे हैं कि योगी जी इस जमीन पर सोते हैं, सैनिक मरे हुए सैनिक की विधवा से मिलने जाने में ऐसी लगवाते हैं, उसके बाद तो की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं ना कि ऐसा नहीं करना है मेरे लिए, कहने यही तो सिर्फ कहते ही है, होता सब वही है सर। गड्ढे कब तक भर जाएंगे? उनसे गड्ढे तो भरवा लें सर, वो एश्योरेंस तो ले लें, वो 100 दिन तो नहीं हो पाया। गड्ढे भरना एक निरंतर प्रक्रिया है, मैं मानता हूँ कि आगे चल करके उत्तर प्रदेश में जो लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार था, 30-40% कमीशन खोरी चल रही थी, ठेकेदारों में जो बड़े बड़े सिंडिकेट्स काम कर रहे थे उनके दिन अब लग गए। अब जो सड़कें हम बना रहे हैं, गुणवत्ता एक तो सड़कें बना रहे हैं, जल्दी गड्ढे बनेंगे ही नहीं। देखिए ये बकायदा रिपोर्टिंग की गई है हमारी तरफ से, पानी भरा और नीचे गड्ढे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो बड़े मेट्रोज हैं वहाँ के तो जो हालात हैं वो एक अलग स्थिति है। यहाँ हमने जिस तरीके से दिखाया, पानी भर गया है, मालूम नहीं है नीचे खड्डा है नहीं है, जान पर सांसद बनी रहती है कि अब गिरे तो तब गिरे, क्यों इस तरीके का दावा? मेरा सवाल तो देखिए ये था इनसे कि जवाब नहीं दे पाए कि आपको किसने कहा था भाई कि आप 100 दिन में आप कर दीजिए? जवाब देना कठिन है क्योंकि वो एक अव्यवहारिक घोषणा थी, अपरिपक्व भी, अपरिपक्व कहिए खामखा का माइलेज लेना चाहते हैं थी, क्योंकि सड़कों का कपड़ का टूटना, उसका गड्ढा होना एक सतत प्रक्रिया है, उसको लगातार भरी जाए, गड्ढे न रहे, लेकिन कोई दावा करे कि हम उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के गड्ढे को 100 दिन में भर देंगे, इसमें अपरिपक्वता थी। और इससे पता चलता है ना कि थोड़ा प्रशासनिक अनुभव की आरंभ में जो कमी होती है वो उसमें दिख रही थी। और ये सत्य है कि करीब मतलब कुछ गड्ढे भरे भी हैं, 60-62% का आंकड़ा हम लोग भी दे रहे हैं। 60% का है सर, अब पता नहीं वो 60% कहां का है। नहीं, उस 60% में 50% ही मान लीजिए, सौ का मतलब है कि 50% आपने भरा है मान लीजिए, लेकिन आपने कहा लेकिन ये सच है इन्फ्लेट कर दिए जा रहे हैं, वो होगा, वो होगा, वो होगा, गड्ढे दिखाए जाते हैं और 100 को भरा दिखाया जाता है, वो होगा। जो भ्रष्टाचार पीडब्ल्यूडी विभाग में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में है, उस भ्रष्टाचार को एक दिन में दूर करना संभव नहीं है। इंजीनियर से लेकर ठेकेदार, भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात करिए, इंजीनियर से लेकर ठेकेदार तक, इंजीनियर से लेकर ठेकेदार तक में तो भ्रष्टाचार की बात है, सरकार देने की बात जल्दी आसानी से दूर नहीं होगी। तो ये संभव है कि गड्ढे ज्यादा दिखाए हो, गड्ढे ज्यादा दिखाए हो, उसमें मिट्टी ज्यादा दिखाए, सारा कुछ हुआ हो। जब आप अव्यवहारिक घोषणाएं करते हैं, केवल योगी सरकार कि सब कुछ इन्हीं के कार्य का, उनको इतना दोष नासिर जी बताएंगे ना, वो वायदे करके पूरा नहीं किया। नासिर जी, नासिर जी बताएंगे, और समाजवादी पार्टी को नासिर जी से जवाब लेंगे, समाजवादी पार्टी बताएगी, नासिर जी चुना, इसीलिए आप जिन चीजों पर आए उसको डिलीवरी दीजिए, पार्टी को जवाब तो देने दीजिए सर, इसीलिए तो आप आए नहीं ना, 325 इसीलिए उनको मिले, तो इसीलिए डिलीवरी दीजिए। मीनाक्षी जी, ऐसा है, मैं आपको बता दूं, देखिए जहां तक सड़कों का सवाल है, हमारी सरकार ने 302 किलोमीटर का सड़क, मैं ये जिक्र करूंगा हर बार डिबेट में जाऊंगा, हमारी सरकार ने 302 किलोमीटर का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे देश को दिया, गड्ढा कहां से इतना आ गया, जहाज भी उतार दिया, वो आगे बढ़ दिया, गड्ढे कहां से आ गए इतने? अरे अवदेशी इतना क्यों घबरा रहे हैं? आपने बीजेपी के प्रवक्ता हो गए, आपके प्रवक्ता क्या होगा, मुझे आप बताइए ना, नहीं मैं जनता की प्रवक्ता हूं, जनता की नहीं, आप प्रवक्ता, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, क्या गड्ढा आप बीजेपी के प्रवक्ता खोद दिया, नहीं गड्ढों की, मैं अपना पॉइंट बोल लूं, फिर आप बोल लीजिएगा, अरे
यार मैं अपना पॉइंट बोलूं फिर आप बोल लीजिएगा। आप जनता के प्रवक्ता नहीं है, आप प्रवक्ता है बीजेपी के। आप मीनाक्षी जी इनका नाम चेंज करवाइए, इनको लगवाइए बीजेपी के प्रवक्ता। नहीं देखते कि हमने की बात ही नहीं कर रहा हूँ आप ये मैं अपना पॉइंट बोलूं फिर आप आप दोनों आपस में उलझ जाएंगे। जनता को पता है, आवाम को पता है कि आपको बिठाया यहाँ पे बीजेपी ने, सबको पता है। अवधेश जी फ्री पैसेज मत दीजिए, फ्री पैसेज मत दीजिए इनको, ये इनको जवाब देने दीजिए ना कि गड्ढे क्यों छोड़ गए। आपके पास है आप अपना जवाब दीजिए, उनके साथ उलझिए मत, आप अपना जवाब दीजिए। इनका काम उलझने का है क्योंकि ठीक है वो जाएंगे और आप उलझ जाएंगे तो गड़बड़ है ना। आप अपना जवाब दीजिए, प्रश्न का जवाब दीजिए। सवाल मेरा देखिए, सवाल आपका ये था गड्ढों का, मैं आपको बता दूं। बात यह है कि मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो भी काम किया रोड का, पूरे उत्तर प्रदेश में सारे जो मेन डिस्ट्रिक्ट थे हमने सबको जोड़े, चार लेन हमने कराती दिए इस पांच साल में, हमने सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हमने बना के दिया। ये सारा काम किसी और सरकार ने करके दिया तो बता दीजिए। एक्सप्रेसवे पे इन्होंने जांच बिठाने की बात करी, ये जांच बिठाने की बात करते हैं बीजेपी वाले। अरे हम कह रहे हैं जो आपने बोला 100 दिन जो गड्ढे की बात कर रहे हैं, वो गड्ढा कभी मुक्त नहीं होगा क्योंकि वो गोबर से भर गया है। आपको पता है सच बात क्या है, आप कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे गड्ढों की। जहां तक सवाल रहा हमारे उपलब्धियों का जो हमने बना के दिया, आप इसके बारे में जिक्र करिए। एक्सप्रेसवे जो हमने बना के दिया, आज से 4-5 घंटे में आप दिल्ली से लखनऊ पहुंचते हैं, ठीक है, वो एक एक्सप्रेसवे को और उसका जो सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट है। पर कौन कौन लोग जाते हैं? सारी यूपी की जनता उस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करती है क्या? बिल्कुल शुरू होगी मीनाक्षी जी, और सोशल इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा उसको। हमने ये भी बोला जी, जिसका काम ही है वो सड़क देखने जाएगा क्या वहाँ पर? बाराबंकी का चार लेन सड़क चाहिए को, वहाँ सड़क चाहिए। मैं आपको बताता हूँ जो चार लेन डिस्ट्रिक्ट हमने जोड़े हैं, चार लेन मेन डिस्ट्रिक्ट सारे जो हमने जोड़े हैं, उस पर कितनी उपलब्धियां हो जाएंगी आवाम को, आप उसके बारे में जिक्र करिए। ठीक है, अगर आपकी स्पीड गिरफ्तार बढ़ जाएगी एक तरफ से वहां पहुंचने के लिए, तो आपको इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा। चंद्रभूषण जी, यानी आप आरोप लगा रहे हैं कि आपको विरासत में मिला, इनके तरफ से तो सड़कें बेहतरीन छोड़ी गई थी, आप पता नहीं कौन से गड्ढे खोज लाए और उनको भरने की बात करने लगे 100 दिन के अंदर। मीनाक्षी जी, आगरा एक्सप्रेसवे से मैं भी कई बार यात्रा कर चुका हूँ, आप भी कभी कार से आइए तो आपको तजुर्बा होगा कि वो एक्सप्रेसवे आज भी उद्घाटन की हालत में नहीं है। उस पर कई काम हम लोग कर रहे हैं, शीघ्र ही हम उसका भी उद्घाटन करने के लिए तो रखा गया है। बताइए आप, उद्घाटन ही तो कर रहे हैं, कांग्रेस की बनाई हुई सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन, कटरा तक की ट्रेन का उद्घाटन, मंगलयान का उद्घाटन, सैटेलाइट प्रक्षेपण का उद्घाटन। आप तो खाली कांग्रेस के कामों का फीता काटिए बस। प्रदेश की 22 करोड़ की आबादी है, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा क्षेत्र है, क्या एक 300 किलोमीटर की सड़क से कल्याण हो जाएगा उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश के हर जिलों को विकास करने को जिलों को ओर से लोग गड्ढे फैला दिए, एक आगरा एक्सप्रेस वे बना देंगे, किसी प्रायर वर्किंग करके चुनाव जाएंगे। पब्लिक सब जानती है, भूखे आदमी करके भ्रम में क्यों रखते हैं? ग्राउंड लेवल रियलिटी में क्यों नहीं जीते हैं? आप रोमियो स्क्वाड अनाउंस करते हैं और आपके हिंदू वाहिनी के लोग लोगों के घर में घुस घुस कर उनको बेइज्जत करते हैं। आपके मुख्यमंत्री को उस पर बयान देना पड़ता है, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में 16 घुस हो चुके हैं, दो बच्चियों के बलात्कार होते हैं, परिवार को पूरे मार डाला जाता है, उसके अपराधी जेलों में बंद पड़े हैं। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? अपराधियों के रूप आप ले रहे हैं योगी के नाम पे। आपको आइडिया नहीं है कि ग्राउंड लेवल रियलिटी का अंदाजा होना चाहिए। प्रदेश बदल रहा है, प्रदेश सुशासन की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, आम आदमी तो है। तो मैंने कहा शो वाइंड अप होगा, वक्त हमको अनुमति और नहीं दे रहा चर्चा आगे बढ़ाने को, लेकिन 6 महीने हुए थे और योगी सरकार की 6 महीने की जो उपलब्धियां थी, जो सरकार की तरफ से गिनवाई गई, उन पर भी हमने चर्चा की, लेकिन जिस जिस सेक्टर में खामियां रही
वो भी हमने बात की, और कुल मिलाकर अगर देखें तो एक जो एक्सपीरियंस ना होना मुख्यमंत्री को पहले गवर्नेंस का, वो भी आड़े आया, उनकी छवि भी आड़े आ रही है, और कहीं ना कहीं जो एक खाका खींच दिया जाता है कि हम 15 दिन के भीतर ये कर देंगे और 100 दिन के भीतर हम ऐसा कर देंगे, तो उन सब चीजों से बचना चाहिए। सरकार का तैयार एक रोडमैप होना चाहिए, दिशा निर्देश जिस तरीके से जाने चाहिए नीचे तक वैसे ही जाने चाहिए, और केवल जुमलेबाजियों से या बयानबाजियों से सरकारें चलती नहीं है। अगर कहीं बेहतरी हो रही है तो यूपी की जनता के लिए वो बेहतर है, उससे हमें भी इनकार नहीं है। बहुत शुक्रिया कमलाकर जी, धन्यवाद आपका, आप आए स्टूडियो में हमारे साथ। नासिर जी आपका भी शुक्रिया, अवधेश जी बहुत धन्यवाद आपका, चंद्रभूषण पांडे जी आपका भी शुक्रिया लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब कुछ मुद्दे ऐसे जिन पर सरकार की किरकिरी हुई, कुछ मुद्दे ऐसे जिन पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। हालांकि 6 ही महीने हैं, 4.5 साल का लंबा कार्यकाल जो है वो सरकार का बचा हुआ है। यहां से जो कमियां हैं सरकार अगर सीख कर आगे बढ़ती है तो सरकार के लिए कहीं बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।